नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ ईशा दर्जी। उद्योगपति आनंद महिंद्रा को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान और काम के लिए पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मभूषण पाने के बाद आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि मैं वाकई ऐसे पुरस्कार पाने वालों के श्रेणी के योग्य नहीं। महिंद्रा ग्रुप के मुखिया ने कहा कि सरकार ने जिस तरह जमीनी स्तर पर समाज सुधार के लिए काम करने वालों को चुना है वह सराहनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह पूरे शीत सत्र में 500 किसानों को लेकर रोजाना संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और मोदी सरकार पर दबाव बनाने 26 नवंबर से 40 संगठन देश भर में आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी में उन्हें विरोध प्रदर्शनी का पूरा हक है। आसाम के सिलचर में एयर इंडिया के विमान के उड़ान भरते ही उसमें खराबी आ गई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट एयरबस A319 ने बुधवार सुबह कोलकाता के लिए उड़ान भरा था। विमान में 150 के करीबी यात्री सवार थे जब इसमें तकनीकी खराबी की जानकारी मिली। हालांकि गनीमत ही रही कि हादसे से पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए बचा लिया गया। टाटा मोटर्स की कार खरीदने वालों के लिए अब सस्ता लोन मिलने वाला है। दरअसल टाटा मोटर्स ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऐसा करार किया है जिसके जरिए टाटा की कार खरीदने पर कुल लागत 90% लोन मिलेगा। इसमें एक शोरूम मूल्य, बीमा राशि और पंजीकरण शुल्क शामिल है। योजना में प्रति लाख 1,502 रुपये का EMI विकल्प भी उपलब्ध है। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने को लेकर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में आज मत्था टेका और पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारे में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के वास्ते करतारपुर गलियारे को फिर से खोलने की प्रार्थना की। असल में मार्च 2020 में कोरोना प्रकोप के कारण पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तीर्थ यात्रा निलंबित कर दी गई थी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की गरीब विरोधी नीतियों और महंगाई के मुद्दे पर उसे घेरने के लिए 14 नवंबर से राष्ट्रीय जन जागरण अभियान शुरू करने के लिए घोषणा की है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अध्यक्षता वाली सत्ता आंदोलन संबंधित कांग्रेस समिति ने इस जन जागरण अभियान से जुड़े कार्यक्रम के लिए तय किया है। अभियान में देश भर के नेता जुड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के जरिए जनता के बीच आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि इस मोदी सरकार की गरीबी विरोध नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। जनता परेशान है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस पर धन उगाही और नकली नोटों का कारोबार कराने की संगीन आरोप लगाकर बड़ा हमला बोला है। आज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को जवाब दिया है। एक ट्वीट में किसी का नाम लिए बिना ही फडणवीस ने लिखा है कि मैंने बहुत पहले यह पढ़ा था, सुअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए वरना अपने कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन सुअर को इसमें मजा आएगा। फिलहाल इस मामले पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के ड्रग्स एंगल के जांच में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को इस केस में थोड़ी राहत मिली। केस की सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट ने रिया को बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने और जांच के दौरान जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप लौटाने की मंजूरी दे दी है। पहले NCB ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब भी जरूरत होगी तो रिया को अपने बैंक डिटेल्स को साझा कराना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले मंगलुरु के समाज सेवक हरेखेला हजब्बा सुर्खियों में आ गए हैं। असल में हरेखेला हजब्बा जब पुरस्कार लेने के लिए गए तब वह नंगे पाँव और बेहद सामान्य और सादे लिबास में थे। जैसे ही राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। RBI ने महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर कारोबारी पाबंदियां लगा दी है। फिलहाल ग्राहकों बैंक से सिर्फ 5,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही 8 नवंबर से बैंक द्वारा लोन जारी करने पर भी पाबंदियां लगा दी गई है। रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना बैंक से कोई नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।